भिवानी में कांग्रेसी नेता एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह डुमरखा ने पत्रकार वार्ता की, जिसके दौरान उन्होंने बीजेपी पार्टी को आड़े हाथों लिया और विधानसभा की तैयारी के लिए आगाज की बात कही। कहा कि विधानसभा की तैयारी को लेकर कांग्रेस पार्टी पूर्ण रूप से तैयार है, जिसके लिए कांग्रेस संगठनात्मक रूप से पार्टी को मजबूती देने में लगी हुई है। जल्द ही संगठन तैयार होगा, उसके बाद ही प्रदेश के अंदर विधानसभा चुनाव को मजबूत करने की कायद शुरू होगी। वही किरण चौधरी के बीजेपी में जाने की बात पर बोलते हुए कहा कि बीजेपी का सिस्टम है कि अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना और फिर फायदा निकल जाने पर बीजेपी व्यक्ति की कोई कदर नहीं करती। कहा कि किरण के साथ भी मेरे जैसा हाल कर देंगे। भिवानी से अभिषेक ठाकुर की रिपोर्ट। प्रशासन ये है कि आप कोई नई टेक्नोलॉजी लेके आते हो तो लोग कहें भाई अच्छी है, लेकिन लोगों ने अच्छा क्यों नहीं कहा? क्योंकि लोगों को बताया ही नहीं, लोगों को सिखाया ही नहीं। कोई जमीन, अपनी जमीन की पैदाइश जो है उसकी फसल की, वो पोर्टल पे डालता है, उसको कहते हैं कि उसने डाल दी 40 क्विंटल, मैं गेहूं बेचूंगा। अगर वो 40 क्विंटल लेके चला गया तो कहते हैं कि नहीं 40। तो ये नहीं है, ये कहीं ना कहीं इस पार्टी में जो सुशासन की बात है वो शब्दों में है, उन्होंने कोई हकीकत में कुछ करके नहीं दिखाया। एक बच्चा, आप कहते हो कि नौकरियां निकली और उसके फॉर्म जो है वो आप अपलोड कर दो अपने उस पे। अब उसको अपलोड नहीं करना आता।